हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मेरी सुबह का आगाज़ हो गया और बच्चों ने कुछ ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट मांगा जो मैंने झटपट बना के उन्हें दे दिया। मैंने कहा चलो जी खाओ। और आप लोग सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चले शुक्र है खुदा का कि आप लोग ठीक हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई भाई कहता है कि मुझे ना आज वो खानी है बेसन वाली रोटी। तो मैंने कहा बेसन वाली रोटी, अच्छा। फिर मैंने देखा हुआ था बचपन में बनाते हुए, अपनी मेरी मामानी थी वो बनाती थी, तो मेरे जहन में वो था। तो मैंने कहा चलो भाई मैं बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ। मैंने क्या किया, बेसन को थोड़ा सा वो किया, गूंद लिया जो बेसन को बनाते हैं डोसा, उसमें सब कुछ डाल दिया, मसाले वसाले। फिर ये मैंने प्लेन आटा लिया, उसमें मैंने डाला जी ये कसूरी मेथी डाल दी, फिर मैंने डाल दिया धनिया डाल दिया, और फिर उसके बाद ये जो बेसन था उसमें सारे सब कुछ डालता, पोटैटो थे, अनियन थे, उसमें ज़ीरा था, उसमें रेड क्रश चिली थी, सारे मसाले जो आप डालते हैं वो मैंने डाल दिए। तो वो मैंने इसको गूंद लिया, ठीक है। हाँ जी, अब आप लोग एक बात का जवाब दें। मैं उन सब फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और ये है कि दूसरे सब फ्रेंड्स से जो मुझे देख रहे हैं अभी, मैं उनसे रियली डीपली रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ठीक है। और अगर हो सके तो इसको लाइक एंड शेयर भी करें प्लीज़। और ये है कि बेल नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस मिल सकें। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि विदाउट फैमिली सपोर्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे अब आप लोग मेरी फैमिली है, यूट्यूब मेरी फैमिली है, तो मुझे ये है कि अगर वो मेरे साथ होंगे तो मैं सब कुछ कर सकूँगी, ठीक है। जैसे मैं इतनी प्यार से इतनी लगन से ये सब कुछ करती हूँ, मतलब सारा, अगर मैं कोई वो बना रही हूँ, कोई रेसिपी बना रही हूँ, कोई व्लॉग कर रही हूँ, कोई आउटिंग जा रही हूँ, तो मैं सारा कुछ ज़रूर उसको रिकॉर्ड करती हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाउ आई स्पेंड माई लाइफ एवरी डे। तो होप आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड करोगे, और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को सोचिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और यह है कि कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताते रहा कीजिए जो किसको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, किसको मेरी कोई भी बात अच्छी लगे या बुरी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आई डेफिनेटली ऑनेस्टली आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो ये देखें जी, फिर क्या हुआ कि मैंने उसका आटा गूंद लिया। इसको बहुत ज़्यादा गूंदा, वैसे नहीं गूंदा जैसे नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं, बस इसको ऐसे किया कि इसमें ऑयल थोड़ा सा डाल के मैंने गूंद लिया ताकि वो ना हाथों के साथ चिपक रहा था। तो मैंने कहा कि इसको ना आटा वो ये लगा लेती हूँ, ऑयल लगा के गूंद लेती हूँ। तो इसको मैंने गूंद के इस तरह रख लिया। तो ये है कि हमारी एक मामानी थी, खुदा जन्नत नसीब करे उन्हें, वो नहीं रही अब इस दुनिया में। तो वो ना वो गांव से आई थी, तो उनकी वो अपने घर में शायद ये बेसन वाली रोटी लगाया करती थी। तो जब वो यहाँ आई तो उन्होंने एक दफ़ा बनाई, तो हम लोगों ने सबने बड़ी पसंद की कि बहुत मज़ेदार बनी है। तो बस फिर हम छोटे थे तो हम उन्हें देखते थे कि वो कैसे बनाती हैं। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, फिर मेरी बड़ी बहन है, उन्हें भी बहुत पसंद है बेसन वाली रोटी, वो वेरी ऑफ्टन बनाया करती थी जब वो यहाँ थी मेरे पास। तो ये है कि आज मैंने उन सब की याद को ताज़ा करके, तो मैंने कहा चलो जी मैं भी आज बेसन वाली रोटी बनाती हूँ। और वैसे भी घर वाले कह रहे थे कि बेसन वाली रोटी बनाओ, तो फिर मैंने बनाई। तो आज हमारे यहाँ का वेदर तो बहुत अच्छा हुआ हुआ है, क्लाउडी है, काफ़ी क्लाउडी है, और विंडी तो बहुत है, बहुत विंड है, तेज़ वाली है। तो होप आप लोग जहाँ भी कहीं हैं आप लोगों का वेदर भी बहुत अच्छा होगा। गर्मी है तो गर्मी है ना, तो क्या कर सकते हैं, बस इस वेदर में जीने की आदत है ना, जो भी वेदर हो। तो ये देखिए बन के रेडी हो गई, तो बहुत अच्छी बनी, बहुत मज़े की बनी, क्रिस्पी बनती है ये। और क्योंकि वो तो तंदूर में लगाते थे तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट, तो मैंने ऐसे ही बनाई। फिर मैंने सिटिंग एरिया में ही मैंने कहा देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ लॉन्ड्री थी कि वो मैंने अभी रखी, तो ये दोनों देखें पता नहीं क्या अपना खेल रही हैं। और फिर मैंने कहा चले मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ
ये तो आपको पता ना, ये तो एक हमारी रूटीन है कि आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। फिर मेरे बच्चों ने शोर डाल दिया कि उन्होंने डैडा के साथ बाहर जाना है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि डैड ने प्रॉमिस किया था कि उनको लेके जाएंगे कल ना उसके लिए शॉपिंग के लिए। उनको कोई अपने लेगो लेगो सेट खरीदना था। तो एनीवे दोनों बहुत खुश नज़र आ रही थी कि वी आर गोइंग आउट विद डैडी, माए जिन्ना भी कर लेना। अब्बा एक दफ़ा कह देना चलो, तो बच्चों की खुशी की इंतकाल रहती, भूल जाते हैं अम्मा कितने गई, रहन दो अम्मा को। तो ये देखे बड़ी खुशी दोनों बहनें कि वी आर गोइंग विद डैडी। तो वो इसलिए कि पता है हम माए ना थोड़ा सा वो अपने बजट को देखती हैं, या हम कहती हैं नहीं नहीं बेटा ये ना लो ये ले लो, तो जो बाप होता है ना वो कहेंगे ना कि डैडा हमने ये लिया, वो 100 पाउंड की भी चीज़ होगी ना, तो कहेंगे ठीक है डैडा आई एम गोइंग टू बाई इट, तो डैडा कहेगा हाँ हाँ बेटा ले लो कुछ नहीं होता। तो माएँ जो होती हैं ना वो ज़रा ख्वाहिशार औरतें होती हैं। तो ये है कि ये कल गई हैं जब डैड के साथ, तो इन्होंने वो लेगो सेट बाय किया, काफ़ी एक्सपेंसिव था। अगर मैं आती तो मैं तो फिर कोई ना कोई बहाने बुने लगा के थोड़ा दूसरा ले लेती, लेकिन डैड ने कहा कि नहीं जी लेके देना है तो लेके देना, विच वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, डैड आज तो लेगी वाजा, आइंदा नहीं मैंने इनके साथ जाने देना। तो एनीवे देखेंगे चले गए, फिर थोड़ी देर में वो लोग अभी थोड़ी देर बाद वापस आ गए। देखे मेरी बेटी कहती है मम्मा मम्मा आप भी आ जाओ, मैं कहीं मैं नहीं जाती, थैंक यू मच, कोई ज़्यादा नहीं हो रहा बाहर निकलने को, वो कुछ वेदर ऐसा था तो उसमें वो थोड़ी सी ना सुस्ती आ गई, पर नहीं फिर भी मैं घर के काम करती रही, आपको पता है सुस्ती बिल्कुल नहीं। तो बस फिर ये फिर उन्होंने जाके उधर एक वीडियो बनाई, तो आके मुझे दिखाई कि देखे मम्मी हम लोगों ने ये देखा ये देखे, सारे वो लेगो के चीज़ें देख रही है, क्योंकि उसको लेगो बहुत पसंद है मेरी बेटियों को। ये जब छोटी भी थी ना तो मेरी बड़ी बहन है उनके साथ बैठ के ऑलवेज, व्हेन शी वाज लिटल लाइक 3 ईयर्स ओल्ड और थ्री, सॉरी आई एम सो सॉरी, जब ये लाइक बच्चा होता है ना कि जब किसी चीज़ को होल्ड कर लेता है, मुझे देख रहे हैं कैसी माँ हूँ मुझे उम्र भी नहीं याद, और जब वेरी यंग थी छोटी थी तो मेरी बाजी के साथ ना इन चीज़ों को जब उसने होल्ड करना शुरू किया, तो उसने इसके लिए ना ये वो पजल्स खरीदने शुरू कर दिए, छोटे छोटे ब्लॉक्स खरीदने शुरू कर दिए। तो फ्रॉम देन टिल नाउ टुडे ये इसको ना आदत है, ये बहुत वो खरीदती है लेगो, और उनको कितना भी डिफिकल्ट हो बैठती है आराम से तो बस ही उसको बना लेती है। तो ये मेरी छोटी जो ना आज मेरी कैमरामैन बनी थी, वो पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरा, उसको जो जो चाहिए था ना वो देख रही थी, उसको ये पोनीज बहुत पसंद आती हैं, तो वो अपने लिए पता नहीं क्या छोटा सा टॉय लेके आई थी। तो शैली ने जो लेना था उसने वो ले लिया, ये इनके पास जो हैं इनको सॉफ्ट टॉयज भी बहुत पसंद आते हैं जो इनके पास हैं, स्क्विशी आई थिंक उन्हें कहते हैं। तो कोई ऐसा टॉय नहीं जो इनके पास नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों को जब छोटी थी जब जैसे 3-4 2 ईयर्स की थी, तो इनके पास इतने थे कि एक घर का एक जो हमारा रूम है ना उसका उस रूम का नाम टॉय रूम रखा हुआ है। दो अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया, अब उसको मैंने स्टोर कर लिया, लेकिन ये ऑलवेज जो है ना उसको टॉय रूम कहती थी, क्योंकि उसमें इनके इतने टॉयज थे जो मैं वहाँ रखती थी, फिर ये वहाँ जाके प्ले करती थी और बस ये अपना टाइम वहाँ सर्व करती थी। लेकिन अभी देखिए अब मैंने थोड़ा इसको कम किया है इनके टॉयज वगैरह को, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी बड़ी हुई है अब तो डिफरेंट चीज़ों की तरफ ना मैंने अटेंशन की है। तो ये देखे जी आ गई हैं अपने डैड के साथ, डैड देखे बेटियों के कैसे लुक आफ्टर करें, उनके लिए डोर ओपन हो रहे हैं, यार आई लव द डैड, क्योंकि हमारे भी तो ऐसे ही थे ना, है ना, खुदा जिंदगी लंबी उम्र दे मेरे अब्बू को, तो वो भी ऐसे ही हमारे साथ किया करते थे। जब भी मैंने कोई फरमाइश करनी तो उन्होंने तो आंखें बंद करके वो चीज़ मेरे लिए ले आनी करनी। तो ये देखे जी ये मेरी बेटियाँ आ गई हैं, ये लेके ये लेगो सेट, शी इज़ ओवर द मून, बहुत खुश है कि मम्मी देखो मैं क्या ले आई। मैंने कहा चलो जी वेल डन वेरी गुड। तो अभी देखे जी बस मैंने कहा आ जाओ अब अंदर, बहुत हो गई है। तो ये देखिए अब दोनों अंदर आएंगी, खुशी खुशी अंदर आ रही हैं, वाह वाह वाह, ये देखे इसको ये छोटी को डांस कैसे मूव कर रही है डांस। Now that we've asked our mom to help us with the tape, let's pick out everything that comes in here. So we have these two shelf windows, I think, bag number 3, 2 base plates. No, this is bag number. Bag number 2 and bag number. No, this is bag number 2 and this is bag number 1. Sorry. And we also
have our instruction book. And this is very important because if you lose it, you won't be able to build the house. So? And I can see an arm. Ah, someone's trapped inside. That means the character is in there. Someone's trapped inside. So let's start with bag number one because it is the first bag. The first. We can just put this on top of the wire. And let's dump it all out. Hey, there's blocks. Oh, I see how it's floating. So there's another bag inside of this bag. A little dog bowl. Yeah. Okay, so some bell. देखे जी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया बता दिया आपको कि वो क्या लेके आई हैं ये कैसा है कहती मम्मी वी वांट टू टेल बाय आवरसेल्फ मैंने कहा अच्छा जी बता दो तो अभी उसने खोला है तो अभी स्टार्ट हुई है ये देखे पता नहीं है वो कहती मम्मी आई एम बिल्डिंग माय हाउस मैंने कहा अच्छा जी बनाओ क्योंकि इसको बहुत शौक है ये बनाती है बिल्ड करती है फिर बताती है मम्मा मैंने ये बिल्ड किया मैंने वो बिल्ड किया तो मैं उसको इनक्रेज करती हूँ कि यस जस्ट डू इट डू इट तो फिर मेरी हबी कहती है कुछ खाने तो फिर मैंने रात के खाने की ऐसे कोई वो नहीं किया करा जिस मैंने क्या कर लिया कि वो पड़ा था काफ़ी सालन भी पड़े हुए थे तो फिर मैंने हल्का सा चिकन भी उनको रोस्ट कर दिया और फिर मैंने ये साथ में मैंने कहा चलो मैं ना मैं मटर वाले पुलाव बनाती हूँ जो कि मेरे हमारे घर में बहुत फेमस है तो बहुत जमी बनता है मटर वाला पुलाव सारे बहुत शौक से खाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने पसंद किया होगा मेरी बेटी को प्लीज़ अप्रिशिएट किया करें क्योंकि वो छोटी बच्ची हैं फिर वो वेट करती है मम्मा किसने लाइक किया हमें बताओ तो फिर जब आप लोग मुझे कमेंट्स करोगे तो आप लोग उनके बारे में कुछ कहोगे तो आई विल टेल देम तो फिर बच्ची हैं वो खुश होंगे कि हाँ अच्छा था तो प्लीज़ अगर आप लोग कोई बात कहें या उन्हें अप्रिशिएट करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ठीक है फिर मैं उन्हें बताऊंगी और वट एवर दे से आई विल रिकॉर्ड इट फॉर यू गाइस तो ये देखे बस ये रेडी हो गए थे राइस और थोड़े से वो बर्तन वर्तन थे धोने वाले वो जो अभी हमने देखे हैं तो बस वो जी क्लीनिंग करूँगी और क्लीन करके बस ये देखे सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो गया था तो ये सारा कुछ अभी बस इसको सफाई वगैरह करूँगी ये बिन था बिन को मैं बहुत क्लीन रखती हूँ क्योंकि ये अगर बिन गंदा होना तो मुझे लगता है बस सब कुछ ही गंदा है तो ये इसमें मैं सारे अपने ये पॉट ऑफ जो यूज़ मैंने बताना है कि मैंने तो बस देखें खाना वाना रेडी हो गया खाना रेडी हो गया और तो हो गया बर्तन धुल गए ठीक है मैं होगी इससे बर्तन धो ये देखें अभी ये रात का बस मेरा हो गया काम तो अभी बस बैठूंगी वहाँ उसके बाद ये देखिए नाइट टाइम डिलीवरी का टाइम दिया था 7 to 11 कि पहले हमारा खराब हो गया था डिलीवर करके गई बच्चों के लिए ना क्योंकि मेरे भी मैंने सोचा चला खराब हो गया था अभी आया मैंने दोबारा से ये कुक वर्क्स का बोला बहुत अच्छा वेरी गुड ट्रस्ट मी के मैंने भी मेरे पास यही था तो अच्छा 1 लीटर बहुत अच्छा ये जग इंक्लूड इसमें होता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगे ना कैरेट का जूस चाहिए था बनाने के लिए तो फिर मैंने ये मंगवाया अगर आप लोग को भी चाहिए तो ये मंगवाएगा ये दैट इज़ वेरी गुड क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद है तो ये इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि इनको ये इनको पता है कि इनमें इनका ये जूस बनता है तो मम्मा मम्मा आई वांट टू ओपन मैं कह चलो जी मेरी छोटी मिस मफनी ये मेरी मिस मफिन है छोटी सी तो मेरे साथ हर वो काम करती है जो बस मैं किचन में खा रही हूँ इसको बहुत शौक है कि मम्मी की सपोर्ट करने का तो वैसे भी घर में कोई भी पार्सल आए तो बच्चे तो खुश हो के जाते हैं कि आया है पार्सल में क्या तो इनको तो पता था नज़र आ रहा था कि मम्मी इसमें तो जूसर है मैंने कहा हाँ तो बस जी फिर जूसर वो कहती मामा मैं खोल के दिखाना मैंने खोल के दिखाना मैंने कहा नहीं बेटा वी जस्ट शोड देम यू नो द फोटो कहती नो आई वांट टू ओपन इट तो फिर देखे खुद ही उठा के तो इतनी वजरी उसको नीचे रखा तो पता नहीं अब खोल लेगी उसको फिर ये देखे जी हाँ बड़ी खुश हुई है देख के वाह मम्मी इसमें तो ये निकला है मैंने कहा अच्छा जी मुझे भी दिखाती मम्मा लुक लुक के भी तो देखें अब कितनी वो मज़े के काम करती है तो आप लोग का बनता है ना कि इसको थम्स अप देना है ना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को ठीक है ना शेयर भी करें लाइक भी करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ठीक है ना
तो ये है कि कोशिश की है कि एक अच्छा वीडियो बनाओ आप लोग के लिए, और वो सब आपको आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने होल डे में किया, जो हमारे घर में हो रहा है मैंने आपको सब दिखाया, जो मैं बच्चों के साथ करती हूँ मैं सब दिखाया, मेरी शॉपिंग, मैं जो भी करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सब चीज़ें वो दिखाऊँ जो मैं रियल लाइफ में हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो होप आप लोगों को ये पसंद आएगा, आप लोगों ने इसको पसंद किया अगर देखा होगा तो। अगर आप लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दे। आई लव यू ऑल, और दोबारा आऊँगी फिर एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।